हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस का चैप्टर टू शुरू करेंगे। चैप्टर टू है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो हम सबसे पहले जानते हैं एसिड्स के बारे में। डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज एन एसिड, एक एसिड होता क्या है। An acid is a substance that ionizes when dissolves in water to give H plus ions. एक acid वो substance होता है जिस substance को जब water में dissolve किया जाता है, water में उसको घुलाया जाता है, मिलाया जाता है, तो वो ionize हो जाता है, यानी कि वो ions produce करता है। और किस तरह का ions produce करता है, H plus ions प्रोड्यूस करता है। तो हर एक वो सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व करने पर आयोनाइज हो जाए और आयोनाइज होकर एच प्लस आयंस दे, वो सब्सटेंस एसिड होता है। तो एसिड क्या है, ये बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। फर्स्ट थिंग है सावर टेस्ट। एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो सावर होता है, खट्टा होता है। सोल्युबल इन वाटर, वो वाटर में सोल्युबल होता है, यानी कि पानी में घुल जाता है, वाटर में वो डिसॉल्व हो जाता है अच्छी तरीके से। देन टर्म ब्लू लिटमस टू रेड, अगर ब्लू लिटमस पेपर पे एसिड को डालेंगे तो उस ब्लू लिटमस पेपर का कलर जो पहले ब्लू था अब वो चेंज होकर के रेड हो जाएगा। देन कोरोजिव इन नेचर, ये कोरोजिव नेचर का होता है, यानी कि मेटल्स में कोरोजन क्रिएट करता है। लास्ट क्लास में हमने कोरोजन पढ़ा था और उसमें कोरोजन के कॉजेज में आपको बताया था। जब भी मेटल्स, जनरली हाईली रिएक्टिव मेटल्स, जब मॉइस्ट एयर के टच में आते हैं, एसिड्स के टच में आते हैं, बेसिस के टच में आते हैं, या सर्टेन अदर केमिकल्स उनके टच में आते हैं, तो उनका कोरोजन हो जाता है, यानी कि एसिड भी मेटल्स को कोरोड करता है ना। तो ये हो गया कोरोजिव इन नेचर। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अगर एसिड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाएगी। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पीएच इज लेस देन 7, एक पीएच स्केल होता है, जिस पीएच स्केल की मदद से हम केमिकल्स को मेजर करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि ये जो केमिकल हैं वो एसिड हैं या बेस हैं या फिर न्यूट्रल हैं, क्या हैं, ये चीज हम जज करते हैं उस पीएच स्केल की मदद से। तो पीएच स्केल के बारे में हम लोग इसी क्लास में, यानी कि इसी चैप्टर में, इसी क्लास में नहीं, इसी चैप्टर में आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है, कैसे होता है। तो उस पीएच स्केल पर हमारे एसिड्स की जो रीडिंग आती है वो लेस देन 7 आती है, यानी कि इसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है एसिड्स का। फाउंड इन एक्वस फॉर्म, एसिड्स जो होते हैं वो एक्वस फॉर्म में, एक्वस के बारे में आपको बताया था, जो भी चीज वाटर में डिसॉल्व होती है उसको हम लोग एक्वस कहते हैं। तो एसिड्स एक्वस फॉर्म में ही होते हैं। मिनरल एसिड्स आर कलरलेस, ऑर्गेनिक एसिड्स आर वाइट। एसिड्स दो तरह के होते हैं, मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। एक बार फिर से आने वाले क्लास में हम लोग इनके टाइप्स के बारे में भी डिटेल स्टडी करेंगे, आने वाले क्लास मतलब इसी चैप्टर के आने वाले क्लास में। तो एसिड्स दो तरह के हो गए, मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, उनका कोई कलर नहीं होता है, लेकिन ऑर्गेनिक एसिड्स वाइट कलर के होते हैं। There are most acids are harmful and dangerous to us, but useful. ज़्यादातर एसिड्स जो होते हैं
ज़्यादातर एसिड्स वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं एंड डेंजरस, खतरनाक होते हैं, बट यूजफुल, लेकिन यूजफुल होते हैं। ज़्यादातर एसिड्स अगर हमारे स्किन पे गिर जाए तो स्किन बर्न हो जाता है, कपड़ों पे गिर जाए तो कपड़े जल जाते हैं, और भी कई तरह के इनसे हार्म हमको होता है, इसलिए ये बड़े डेंजरस होते हैं। एसिड्स हार्मफुल भी हमारे लिए और डेंजरस भी है, लेकिन यूजफुल है। हम जिन बैटरियों का यूज़ करते हैं उन बैटरियों में एसिड ही तो डालते हैं। हो सकता है आपके घर में भी बैटरी, और जो भी बैटरी आपके घर में है उस बैटरी के अंदर कोई ना कोई एसिड है, तो ये हमारे लिए यूजफुल भी है। फिर एसिड्स आर हार्मफुल एंड यूजफुल बोथ, सॉरी फ्यू एसिड्स आर हेल्पफुल एंड यूजफुल बोथ। कुछ एसिड्स ऐसे हैं जो हेल्पफुल भी होते हैं, मतलब मददगार भी होते हैं और यूजफुल भी होते हैं। कुछ एसिड्स हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं और यूजफुल भी होते हैं, दोनों होते हैं। अब आने वाले इसी चैप्टर के आने वाले क्लासेस में हम लोग आगे क्या क्या डिटेल चर्चा करेंगे, डिटेल चर्चा करेंगे कि टाइप्स ऑफ एसिड्स क्या क्या हैं, एसिड्स के कितने प्रकार हैं। फिर हम स्टडी करेंगे कि एसिड्स से हमको क्या क्या हार्म होता है, क्या क्या नुकसान होता है, एसिड्स हमारे लिए किस तरह से यूजफुल है, किस तरह से हेल्पफुल होते हैं, ये स्टडी हम लोग करेंगे। एसिड्स के क्या क्या हमारे लिए यूजेस हैं वो हम लोग स्टडी करेंगे, और एसिड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे, और एसिड्स के एग्जांपल्स के बारे में स्टडी करेंगे। साथ में भी स्टडी करेंगे एसिड्स को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे, ये सारी चीज़ हम लोग एसिड्स के बारे में आने वाले क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। अब हम देखते हैं बेसिस के बारे में। व्हाट इज अ बेस? अ बेस इज द सब्सटेंस दैट आयनाइजेस व्हेन डिसॉल्व्स इन वाटर टू गिव OH- आयंस। एक बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो वाटर में डिसॉल्व करने पर, वाटर में घुलाने पर वो आयनाइज हो जाता है और हमको OH- आयंस देता है। वो सब्सटेंस बेस होता है। बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? बिटर टेस्ट, उसका स्वाद जो होता है बिटर होता है, कड़वा होता है। सम आर सॉल्युबल इन वाटर, कुछ बेसिस जो हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं, यानी कि वाटर में जो डिसॉल्व हो जाते हैं, बट कुछ ऐसे हैं जो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, बेसिस क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर पे अगर हम बेस डालेंगे तो उस लिटमस पेपर का कलर रेड से ब्लू हो जाएगा। कोरोसिव इन नेचर, और बेसिस जो होते हैं कोरोसिव इन नेचर होते हैं, यानी कि मेटल्स अगर बेस के टच में आते हैं तो मेटल्स का कोरोजन हो जाता है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बेसिस के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी पास करती, इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। इसका पीएच स्केल पे अगर वैल्यू हम मेजर करते हैं, अभी पीएच स्केल के बारे में आपको चर्चा किया था और अभी बताया भी था कि आने वाले क्लासेस में, इसी चैप्टर के लिए आने वाले क्लासेस में लोग पीएच स्केल की डिटेल स्टडी करेंगे, तो पीएच स्केल पर बेसिस की जो रीडिंग आती है वो मोर देन 7 आती है। फाउंड इन एक्वस फॉर्म, बेसिस भी एक्वस फॉर्म में ही पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ बेसिस आर कलरलेस, मोस्ट ऑफ बेसिस आर कलरलेस, ज़्यादातर जो बेसिस होते हैं वो कलरलेस होते हैं, यानी कि उनका कोई कलर नहीं होता है। स्लिपरी टच, जब उनको हम टच करते हैं तो स्लिपरी एहसास होता है, जिस तरह से हम साबुन को टच करते हैं ना, साबुन को आपने कभी टच किया होगा, तो साबुन को टच करने के बाद जिस तरह का स्लिपरी एहसास होता है, ठीक उसी तरह का स्लिपरी एहसास होता है बेसिस को टच करने पर, स्लिपरी टच होता है। मोस्ट बेसिस आर हार्मफुल एंड डेंजरस बट यूजफुल, ज़्यादातर जो बेसिस होते हैं वो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, नुकसानदायक होते हैं और डेंजरस होते हैं, यानी कि खतरनाक होते हैं, बट यूजफुल,
लेकिन यूजफुल होते हैं, जो उपयोगी होते हैं। फ्यू आर हेल्पफुल एंड यूजफुल बोथ, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं और यूजफुल भी होते हैं, दोनों होते हैं। तो आने वाले क्लासेस में बेसिस के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, उनके बारे में, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके एग्जाम्पल्स, उनके हार्मफुल इफेक्ट्स, किस तरह से हमारे डेंजरस होते हैं, उनके यूजेस, उनको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें डिटेल में हम लोग इसी चैप्टर के आने वाले क्लासेस में बेसिस के बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि हमने कहा एसिड्स के बारे में बताया कि मोस्ट ऑफ द एसिड्स होते हैं हमारे हार्मफुल और डेंजरस होते हैं, और मोस्ट ऑफ जो बेसिस होते हैं वो भी हमारे हार्मफुल और डेंजरस होते हैं। इसका अर्थ ये है कि कभी भी एसिड्स और बेसिस को टच नहीं करना है। ये हमने कहा था स्लिपरी टच, और इसके टच के बारे में हमने कुछ नहीं बताया क्योंकि उसके टच के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, अभी मेरे पास नहीं है, चैप्टर चेक करने पर मुझे चैप्टर में भी नहीं मिला। तो इसका टच कैसा होता है नहीं मालूम, बट बेसिस का टच स्लिपरी होता है। अब ऐसा नहीं हो कि आप एसिड्स और बेसिस को टच करके और हाथ से छू कर देखने लगे कि सर ने कहा था कि चलो जी बेस को टच करते हैं ना, तो साबुन को टच करने से जैसा एहसास होता है वैसा ही एहसास बेस को टच करने पर भी होगा, यानी कि स्लिपरी टच होगा। इसका अर्थ है कि हम लिक्विड्स को टच करते हैं और टच करने के बाद अगर उसका टच स्लिपरी हुआ तो हम कह देंगे कि यह बेस है, और अगर स्लिपरी नहीं हुआ तब कह देंगे कि यह एसिड है, क्योंकि एसिड में टच के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं, उसका टच स्लिपरी होता है या नहीं होता है, कैसा होता है। तो जाहिर सी बात है कि बेसिस स्लिपरी टच के हैं, एसिड स्लिपरी टच के नहीं होते हैं, चलो हम टच करके देखते हैं। ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है, भूल के भी यह भूल आपको नहीं करनी है कि उसको टच करके एहसास करना है कि इसका टच कैसा होता है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि जिस केमिकल को आप टच करके डिसाइड करने जा रहे हैं एसिड है या बेस है, वो कितना खतरनाक है, कितना हार्मफुल और कितना डेंजरस है, आपको किस तरह से नुकसान कर सकता है। हो सकता है स्किन बर्न कर दे, हो सकता है कम्प्लीटली आपके हाथ को ही होल लाइफ के लिए डैमेज कर दे, जो कि बिल्कुल भी रिकवरेबल नहीं हो, बिल्कुल अपंग बना करके रख दे, ऐसा भी हो सकता है, या बॉडी के पार्ट्स को भी साथ साथ वो नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि ज्यादातर जो एसिड्स हैं वो भी खतरनाक हैं और ज्यादातर बेसिस भी हार्मफुल और डेंजरस है। एसिड्स के बारे में अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब ये स्किन पे गिरता है तो स्किन बर्न हो जाता है, क्लॉथ पे गिरता है तो क्लॉथ को बर्न कर देता है, बहुत सारे सब्सटेंसेस पे जब गिरता है तो उसको ये कोरोड कर देता है, जंग लगा देता है, उन सब्सटेंसेस को ये वीक बना देता है, कमजोर बना देता है ना। कम ही एसिड्स होते हैं, कम ही बेसिस होते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल और यूजफुल दोनों होते हैं। जैसे नींबू के रस में एसिड ही है ना, आप नींबू को निचोड़ करके देखिए जमीन पे किस तरह का एक्शन आपको देखने के लिए मिलता है, किस तरह से वो वहाँ पर अपना रिएक्शन दिखाता है, जबकि वो एक ऑर्गेनिक एसिड है, उस एसिड को हम खा सकते हैं, वो हमारे लिए हेल्पफुल और यूजफुल है, तब वो उस तरह का रिएक्शन शो करता है, और जो हार्मफुल है डेंजरस है वो क्या करेगा। इसलिए कभी भी ये आपको नहीं करना है, बी केयरफुल। नेक्स्ट थिंग है, यहाँ पर आपको बताया कि इसका टेस्ट सावर होता है, खट्टा होता है एसिड का, और बेस का टेस्ट जो होता है बिटर होता है। तो चलो जी टेस्ट करके ही हम चेक कर लेते हैं, जिसका स्वाद हमको खट्टा लगेगा हम कह देंगे कि वो एसिड है, और जिसका स्वाद कड़वा लगेगा हम कह देंगे कि यह बेस है। एक बार फिर से, ये काम आपको कभी भी भूल के भी भूल करके नहीं करनी है, क्योंकि ये बहुत बहुत हार्मफुल और डेंजरस हो सकते हैं।
आपको बहुत ज्यादा नुकसान डाल सकते हैं, हो सकता है कि आपके लाइफ को भी खतरा हो जाए एंड यू मे नॉट लिव, आप भी जिंदा भी ना रहे, ऐसा भी डेंजर पैदा हो सकता है। तो बी केयरफुल, बिल्कुल भी इनको टच नहीं करना, सिर्फ पढ़ के समझ के याद करके रखना है कि एसिड सावर इन टेस्ट होता है, बेस बिटर इन टेस्ट होता है, दैट्स ऑल। सिर्फ ये याद करके और समझ करके रखना है कि बेस का टच स्लिपरी होता है, और अभी सर को भी नहीं मालूम कि एसिड का टच कैसा होता है, और किताब में भी नहीं दिया है, इसलिए सर ने इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि एसिड का टच कैसा होता है। बस इतना समझ के रखना है, इसको प्रैक्टिकली ट्राई नहीं करना है। सिमिलरली इसमें से और भी किसी भी चीज को प्रैक्टिकली करके आपको चेक नहीं करना है कि सर ने कहा कि ये सोलोबल इन वाटर है, चलो हम वाटर में डिजोल्व करके देखते हैं, ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस को रेड करेगा, ये रेड को ब्लू करेगा, चलो जरा हम करके देखते हैं, ये कोरोजिव नेचर होता है, ये भी कोरोजिव नेचर होता है, चलो हम करके देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, चलो हम करके देखते हैं, ये भी करके देखते हैं, ये भी करके देखते हैं, सब कुछ भी आपको करके देखने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें करेंगे कब, जब इनको यूज करने के सारे प्रिकॉशंस जान जाएंगे कि हमको कैसे कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं इनका सॉल्यूशन तैयार करने के लिए, या लिटमस पेपर पे इंडिकेट करने के लिए, जानने के लिए केमिकल को गिरा करके कि कौन सा केमिकल एसिड है या बेस है या सॉल्ट है, क्या है, वो सारे प्रिकॉशन हम जान जाएंगे, सारे के सारे वो प्रोसीजर्स हम सीख लेंगे, तभी करेंगे। और जब फर्स्ट टाइम करेंगे, शुरुआत में कुछ एक बार करेंगे, तो अपने टीचर के साथ करेंगे लैब में, बिना टीचर के अकेले इसमें से किसी भी चीज को नहीं आजमाएंगे कि ये ऐसा कहा है, चलो हम एक बार चेक करते हैं कि सही पढ़ाया या गलत पढ़ाया, या किताब में कहीं लिखा तो सही लिखा है या यूं ही छाप दिया है किताब वालों ने, ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इन सब के कैसे इन चीजों को हैंडल करना है, कैसे यूज करना है, कौन कौन से प्रिकॉशंस लेना, कि कौन कौन से सावधानियां हमको बरतनी है, ये सब सीख लेंगे, समझ लेंगे, जान जाएंगे, तब उसको लैब में जा करके अपने टीचर के साथ या लैब टेक्नीशियन के साथ मिल करके ऐसा करेंगे। इन बातों को ध्यान में रखना है। ये चीज हो गई। अब अगली चीज है कि जरा हम इनके बारे में क्या क्या सिमिलैरिटीज है वो देख लेते हैं। एसिड्स के बारे में भी बताया कि ये एक ऐसा सब्सटेंस है, एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट आयोनाइजेस व्हेन डिजॉल्व्स इन वाटर। एसिड भी एक ऐसा, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो आयोनाइज हो जाता है। तो बेस भी वही चीज है, बेस इज अ सब्सटेंस दैट आयोनाइजेस व्हेन डिजॉल्व्स इन वाटर। बेस भी एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो आयोनाइज हो जाता है, यानी कि आयंस प्रोड्यूस करता है। ये दोनों के बीच की सिमिलैरिटीज हो गई। नेक्स्ट है, एसिड भी सोल्युबल इन वाटर है, ठीक है, और बेस में भी सम बेसेस आर सोल्युबल इन वाटर एंड सम बेसेस आर नॉट सोल्युबल इन वाटर। तो यानी कि एक सिमिलैरिटी तो ये हो गई कि ये भी सोल्युबल इन वाटर है और इनमें से भी ज्यादातर सोल्युबल इन वाटर है। देन है, ये भी कोरोजिव इन नेचर है, एसिड्स भी कोरोजिव इन नेचर है और बेसेस भी कोरोजिव इन नेचर है। एसिड्स भी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और बेसिस भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड्स फाउंड इन एक्वस फॉर्म, बेसिस भी फाउंड इन एक्वस फॉर्म, दो एक्वस फॉर्म में पाए जाते हैं, सिमिलैरिटीज है। देन ये सिमिलैरिटीज है कि मोस्ट एसिड्स आर हार्मफुल एंड डेंजरस टू अस बट यूजफुल। इधर भी वही बात है, मोस्ट बेसिस आर हार्मफुल एंड डेंजरस बट यूजफुल। ये हो गई इनके बीच की सिमिलैरिटीज।
अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज एन एसिड, तो आप ये डेफिनेशन लिखिए, व्हाट इज अ बेस, ये डेफिनेशन लिखिए, व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, तो ये सारे 9 के 9 पॉइंट्स आप लिख डालिए, व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, तो ये सारे 10 के 10 पॉइंट्स आप लिख डालिए। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में व्हाट आर सिमिलरिटीज बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, तो ये जितने ब्लू कलर से आप अंडरलाइन करके दिखाए जितने पॉइंट्स 1 2 3 4 5 पॉइंट्स दोनों में कॉमन है, ये 5 सिमिलरिटीज आप लिख दीजिए एसिड्स एंड बेसिस में। क्या लिखेंगे, बोथ आर सब्सटेंसेस दैट एनर्जाइज इन, बोथ आर सब्सटेंसेस दैट एनर्जाइज ऑन डिसॉल्वशन वाटर, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया बोथ आर सोल्यूबल इन वाटर, नेक्स्ट हो गया बोथ आर कोरोसिव इन नेचर, बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड बोथ फाउंड इन एक्वस फॉर्म, नेक्स्ट है बोथ आर मोस्ट ऑफ बोथ ऑफ देम आर हार्मफुल एंड डेंजरस टू अस बट यूजफुल, इतने सारे पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हो गए जी दोनों में सिमिलरिटीज के पूरे 6 पॉइंट्स हो गए, ये ऐसे इस तरह से 6 पॉइंट्स आपको लिखने हैं जैसे अभी मैं आपको बोलकर समझाया। चलिए नेक्स्ट, एग्जाम में ये पूछ सकता है व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, एसिड्स और बेसिस के बीच में अंतर क्या है, तो जो अंतर आने वाला है वो ये है कि एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट आयनाइजेस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर टू गिव H plus ions. A base is a substance that ionizes when dissolves in water to give OH minus ions. ये difference हो गया। हालांकि पूरा sentence यहाँ भी लिखेंगे difference में, यहाँ भी पूरा sentence लिखेंगे। ये H plus ions देते हैं dissolve होने के बाद water में, ये OH minus ions देते हैं। Then दूसरा difference क्या है? Acids are sour in taste, bases are bitter in taste. एसिड्स का टेस्ट सावर होता है, बिटर का टेस्ट, सॉरी एसिड्स का टेस्ट सावर होता है, बेसिस का टेस्ट बिटर होता है, ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस क्या है? एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर पे अगर एसिड डालेंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा, रेड कलर के लिटमस पेपर पे अगर आप एसिड डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा, जब आप ब्लू लिटमस पेपर पर एसिड डालेंगे तभी उसका कलर चेंज होकर के रेड होगा, जब आप रेड लिटमस पेपर पर बेसिस डालेंगे, कोई बेस डालेंगे तभी उसका कलर चेंज होकर के रेड से ब्लू होगा, लेकिन ब्लू पर ही आप डालेंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, ब्लू लिटमस पेपर ब्लू का ब्लू ही रहेगा। इसका अर्थ है कि अगर आप किसी केमिकल को चेक करना है कि ये एसिड है या बेस है तो हम क्या करेंगे, पहले ब्लू लिटमस पेपर लेंगे, उस ब्लू लिटमस पेपर पर उस केमिकल के कुछ बूंदे टपका देंगे, अगर उस ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज होकर रेड हो गया तो हम कहेंगे कि गिवन सब्सटेंस क्या है, एसिड है, और अगर ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं हुआ, ब्लू से रेड नहीं हुआ, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर लेंगे और उस रेड लिटमस पेपर पर उस केमिकल के कुछ बूंदे गिराएंगे, अगर उस रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज होकर ब्लू हो गया तो हम कहेंगे कि गिवन जो केमिकल है वह एक कोई बेस है, लेकिन अगर यहाँ रेड लिटमस का भी कलर चेंज नहीं हुआ, यानी उस केमिकल से ना तो ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज हुआ नहीं रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज हुआ, इसका अर्थ है कि वो गिवन सब्सटेंस ना तो कोई एसिड है ना ही कोई बेस है, जब वो एसिड और बेस दोनों में से कुछ भी नहीं है तो वो जरूर सॉल्ट है, अगर वो एसिड और बेस में से कुछ भी नहीं है तो गिवन सब्सटेंस जरूर सॉल्ट है, ठीक है, कोई ना कोई वो सॉल्ट सॉल्यूशन है, इस तरह से चेक कर सकते हैं। देन है अगला डिफरेंस क्या है, एसिड्स का पीएच वैल्यू लेस देन 7 होता है और बेसिस का पीएच वैल्यू मोर देन 7 होता है, ये डिफरेंस हो गया,
देन यहां पर आप एक पॉइंट ये लिख सकते हैं, नो कन्फर्म टच, टच कन्फर्म नहीं है। आप यहां पर लिख सकते हैं स्लिपरी टच, एक डिफरेंस से भी हो जाएगा। अगला डिफरेंस आप लिख सकते हैं कि मिनरल एसिड्स आर कलरलेस, ऑर्गेनिक एसिड्स आर वाइट, बट इधर क्या है, मोस्ट बेसिस आर कलरलेस। यहां क्या था, मिनरल एसिड्स आर कलरलेस, ऑर्गेनिक एसिड्स आर वाइट, यहां पर है मोस्ट बेसिस आर कलरलेस, यह भी डिफरेंस हो गया। तो जब भी क्वेश्चन पूछो व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, आप इतने पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस लिख सकते हैं। एक ये हो जाएगा, एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट ionizes when dissolves in water to give H plus ions, a base is the substance that ionizes when dissolves in water to give OH minus ions. दूसरा difference हो गया Savarin test, Vitterin test, tumulate must to red, tumulate must to blue. तीसरा difference हो गया, चौथा हो गया pH value less than 7, pH value more than 7. और अगला difference हो गया कि no confirmed touch, स्लिपरी टच। और नेक्स्ट लिख सकते हैं मिनरल एसिड्स आर कलरलेस, ऑर्गेनिक एसिड्स आर वाइट, इधर लिख सकते हैं मोस्ट बेसिस आर कलरलेस। कितने डिफरेंस हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 6 डिफरेंसेस, और 6 आपको हमने सिमिलैरिटीज भी बताई थी। ये जो भी डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज अभी हमने आपको बताए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर बताए हैं। इनमें अभी और सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस आएंगी जब इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज जब एसिड्स और केमिकल प्रॉपर्टीज जब बेसिस पढ़ेंगे तो वहां भी दोनों के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज और दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस आएंगे, फिर उनको भी मिलाकर लिखेंगे। यानी कि तब अब हमारे यहाँ क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछे जाएंगे कि व्हाट आर सिमिलैरिटीज बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, तो आज जितने सिमिलैरिटीज हमने बताए वो और केमिकल प्रॉपर्टीज में जितने सिमिलैरिटीज बताएंगे वो दोनों एक साथ मिक्स करके लिखेंगे। अब फिर व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, तब भी क्या करेंगे, आज जितने डिफरेंसेस बताए वो और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर जितने डिफरेंसेस बताएंगे वो सारे के सारे एक साथ मिक्स करके लिखेंगे। लेकिन अगर ऐसे पूछ लिया कि व्हाट आर सिमिलैरिटीज बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज पर उनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं, तो आज जितने बताया वो लिख देने हैं, केवल आज ही वाले लिखने हैं। एंड व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, तब भी केवल आज वाले डिफरेंस लिखने हैं, आज वाले सिमिलैरिटीज लिखने हैं। अगर इस तरह से पूछ लिया व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो पढ़ेंगे केवल वही लिखेंगे। और फिर सिमिलैरिटीज में अगर पूछ लिया व्हाट आर सिमिलैरिटीज बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, तो उस क्लास में जो पढ़ेंगे केवल वही वाले लिखेंगे। क्लियर है? अब है सॉल्ट्स के बारे में। यहां भी अब डेफिनेशन है, व्हाट इज सॉल्ट, सॉल्ट क्या होता है, तो सॉल्ट इज अ कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ एन आयनिक असेंबली ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। सॉल्ट कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर आयनिक असेंबली होती है। क्या होती है? आयनिक असेंबली होती है कैटायंस और एनायंस की। कैटायंस पॉजिटिवली आयंस चार्ज्ड आयंस होते हैं और एनायंस नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड एज कैटायंस एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड एज एनायंस। और सॉल्ट के अंदर कैटायंस और एनायंस दोनों की असेंबली पाई जाती है, तो फिर सॉल्ट ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर आयनिक असेंबली होती है कैटायंस और एनायंस की। तो पूरा डेफिनेशन क्या हो गया, इस सॉल्ट इज अ कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ एन आयनिक असेंबली ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स, सॉल्ट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, आयनिक इन नेचर, आयनिक इन नेचर होते हैं, यानी कि नेचर आयनिक होता है, ब्रिटल होते हैं यानी कि आसानी से टूट जाते हैं, हार्ड होते हैं कठोर होते हैं,
क्रिस्टलाइन यानी कि क्रिस्टल के फॉर्म में, दाने के फॉर्म में पाया जाता है। आपने चीनी देखा होगा, चीनी के जिस तरह से दाने होते हैं, नमक भी आपने देखा होगा जो आपके घरों में दाल और सब्जी में चोखा में चटनी में जो आप नमक डालते हैं वो वाला नमक, उसके दाने को आप देखिए, वो जो दाना है उसी दाना को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल। चीनी या नमक के जो दाने हैं उसको हम कहते हैं क्रिस्टल। तो ये क्रिस्टलाइन होते हैं, इनकी क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जाते हैं। देन सॉलिड्स होते हैं, ये लिक्विड्स नहीं होते, गैसेस नहीं होते, ये सॉलिड्स होते हैं, है ना। वाइट इन कलर, ज़्यादातर सॉल्ट्स का कलर जो है वो वाइट ही होता है। ऑडरलेस, इनमें कोई गंध नहीं होती है, गंधहीन होते हैं। सॉल्टी टेस्ट, का टेस्ट नमकीन होता है। एंड सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व हो जाता आसानी से, सोल्यूबल होते हैं वाटर में। तो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए। तो आप तीनों के बीच में अगर आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए तो आप आसानी से डिफरेंसेस लिख सकते हैं। अब ये काम आप खुद अपने स्तर पर करेंगे, इनके बीच में डिफरेंसेस आप छाटेंगे। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड सॉल्ट्स, तब आप क्या आंसर लिखेंगे। व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन बेसिस एंड सॉल्ट्स, तब आप क्या आंसर लिखेंगे। और ऐसा भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, तीनों में क्या डिफरेंसेस है, तब आप क्या लिखेंगे। सारे के सारे पॉइंट्स आपके सामने हैं। मैं एक बार फिर कैमरे के सामने से हट जा रहा हूँ। आप पूरा का पूरा बोर्ड एक बार अच्छी तरह से देख लें, समझ लें, सारे पॉइंट्स आप देख लें और पॉज करके आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इन पॉइंट्स को। फिर आपके लिए सभी क्वेश्चंस का आंसर्स प्रिपेयर करना बहुत बहुत आसान हो जाएगा। अब जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, इसके आगे के चीजें देखेंगे जिसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज, एग्जांपल्स, हार्मफुल इफेक्ट्स, यूजेस, आइडेंटिफिकेशन एंड मच मोर, और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। थैंक यू।